हेलो फ्रेंड्स, एम जे आर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की अपन ने 4.1 पढ़ ली थी, सारणी। सारणी की 4.1 पढ़ ली थी अपन ने। अब पढ़ेंगे 4.2। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, अपन ने इनके गुणधर्म भी पढ़ लिए, तो उन गुणधर्म के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि ये डिटरमिनेंट दे रखा है एल एम टू थ्री इक्वल जीरो हो तो एल रेशियो एम ज्ञात कीजिए। हमसे एल रेशियो एम पूछा है। ठीक है, तो देखो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। इक्वल जीरो है, अग्रविकर्ण, अग्रविकर्ण कौन सा है, ये माइनस पिछला विकर्ण, पिछला विकर्ण ये है। अग्रविकर्ण इंटू पिछला विकर्ण, ये होता है ना फॉर्मूला, अग्रविकर्ण माइनस पिछला विकिरण। अगर विकिरण क्या है अपने पास, एल इंटू थ्री माइनस पिछला विकिरण टू इंटू एम इक्वल जीरो। ये क्या हो गया, थ्री एल इक्वल थ्री एल, एल इंटू थ्री थ्री एल माइनस टू इंटू एम टू एम इक्वल जीरो। अब थ्री एल को इधर रख लेंगे, माइनस के टू एम को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। देखो 3L इक्वल टू 2M इक्वल टू 2M, जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में, इसको अपन ले जाएंगे इधर 2 के नीचे, तो क्या आएगा डिवाइड में, और M है इधर 2 के मल्टीप्लाई में है, इसको L के नीचे लेके आएंगे, तो ये इसके डिवाइड में आएगा। देखो L अपॉन हो गया M, ठीक है, इक्वल क्या हो गया 2 अपॉन 3। L अपॉन m कैसे है पता लग गया ना, m को लेके आए l के नीचे और 3 को ले गए 2 के नीचे, तो l अपॉन m मिल गया अपने को 2/3। इससे l रेशियो m क्या मिलेगा, l रेशियो m इक्वल टू 2:3। ये अपने क्वेश्चन में पूछा था, l रेशियो m फाइंड करना था अपने को, ठीक है ना, ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर सारणिक ये दे रखा है 2, 3, 4, 3, 6, 5, 1, 8, 9 के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है, उपसारणी किसकी, द्वितीय पंक्ति के अवयवों की। द्वितीय पंक्ति कौन सी है, ये देखो निकालते हैं इसको पहले, डिटरमिनेंट को सारणिक को अजीत लिख लेंगे 2, 3, 4, 3, 6, 5, 1, 8, 9। अगर बोलता द्वितीय पंक्ति से प्रसार कीजिए, तो अपन द्वितीय पंक्ति को लेते और उससे इसका प्रसार कर देते, तो अपने को इस सारणी का मान मिल जाता। लेकिन क्या बोल रहा है, द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अवयव कौन कौन से, 3, 6, 5 है, तीन अवयव हैं। चलो अवयव 3, 6, 5 द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे अपन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में, मेन एग्जाम में, तो जो नंबर है एक भी नहीं कटता अपना, है ना। जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन है तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे, तो लिखो देखो अवयव 3 का उपसारणी, ये स्टेप है इसकी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटता है। अवयव 3 देखो, अवयव 3 को अपन छुपा लेंगे, इसके सामने वाली लाइन को छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, देखो ये छुप जाएगा, 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 क्या बचेगा 3, 4, 8, 9। ये अवयव 3 का उपसारणी मिल गया अपने को। इसको सोल्व करना हो तो इसको सोल्व कर देंगे, वरना मतलब कि इसको करना तो इतना ही है। अगर क्वेश्चन ने पूछे द्वितीय पंक्ति के अवयव के उपसारणी ज्ञात कीजिए तथा उनको सोल्व कीजिए, उनको प्रसार कीजिए, तो इनका प्रसार करेंगे ना, तो 3 × 9, 4 × 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 5,
तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। इसी प्रकार निकाल लेंगे जैसे अवयव 6 का उपसारणी, द्वितीय पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है 6, देखो कैसे क्या आएगा। 6 वाली लाइन को छोड़ देंगे, एक तो ये है दूसरी ये है, 6 जो जिसमें है जिसकी उसकी पंक्ति और उसके कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 4 1 9, 2 4 1 9। इसको सोल्व करते हैं, अगले वीकेंड माइनस पिछला वीकेंड कितने आ गए। ये सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है, अपने को सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। अब आता है 5, द्वितीय पंक्ति के अवयव 5 का उपसारणी, अवयव 5 का उपसारणी, 5 का उपसारणी क्या होगा, देखो ये वाली लाइन छोड़ देंगे और ये वाली, क्या बचेगा 2 3 1 8, 2 3 1 8। सोल्व भी कर सकते हैं, अपने को पूछा यहाँ तक ही है, ठीक है यहाँ तक कर देना तो अपना आंसर आ जाएगा। ये द्वितीय पंक्ति के उपसारणी को हो गए, द्वितीय पंक्ति के अवयव 3 का, अवयव 6 का, अवयव 5 का उपसारणी मिल गया अपने को, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, सारणी 13 16 19 14 17 20 15 18 21 का मान याद कीजिए, मतलब इस सारणी को सोल्व करना है अपने को, ठीक है। सोल्व करते हैं, या तो पहली पंक्ति से कर लें, या पहले कॉलम से कर लें, या दूसरी पंक्ति से कर लें, या तीसरी पंक्ति से, किसी से कर सकते हैं अपन प्रसारिश का, ठीक है। तो किस से करते हैं, प्रथम पंक्ति से कर लें, पहली या प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, ठीक है करते हैं। 13 वाले लाइन को छोड़ देंगे, क्या मिलेगा 17 20 18 21, 17 20 18 21, क्या होता है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस क्या आएगा माइनस 16 वाली लाइन ये छोड़ देंगे, पहली पंक्ति छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया 14 20 15 21, अभी क्या प्लस, प्लस का 19, पहली पंक्ति और थर्ड कॉलम छोड़ के क्या बच गया 14 17 15 18, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, देखो 13 17 गुणा में 21 माइनस 18 गुणा 20, माइनस 16 × 14 गुणा में 21 माइनस 20 गुणा में 15, प्लस 19 14 × 18 माइनस 17 × 15। अब इनको सोल्व करते हैं, देखो 13 17 × 21 357 माइनस 18 × 20 360 माइनस 16 × 14 × 21 294 माइनस 20 × 15 300 प्लस 19 × 14 × 18 252 माइनस 17 × 15 255, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं, देखो 357 माइनस 360 तो माइनस के 3 बचे, माइनस का 3 × 13 तो माइनस का 39, माइनस का 16 यह क्या है 294 माइनस 300 तो माइनस के 6 बचे, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 16 × 6 96 96 प्लस 19 है 252 माइनस 255 तो माइनस के 3 तो माइनस 19 × 3 57 माइनस का 39 और माइनस का 57 माइनस का 39 और माइनस का 57 मिलके होते हैं 96, माइनस के 96 और प्लस के 96 दोनों 0, भाई ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 96 हो गया, प्लस के 96 तो 0 आ गया इसका आंसर। सारणी का मान क्या है 0, सारणी को सोल्व करना था अपने को, ठीक है।
यहाँ से अपन करेंगे इसको यहाँ तक खत्म। तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आसान ट्रिक का है, सोल्व करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो गुणधम नंबर अपन ने फर्स्ट पढ़ा था, फर्स्ट उसमें था यदि किसी सारणी में समस्त पंक्तियाँ मतलब पूरी पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गुणधम नंबर 2 था, उसमें अपन ने पढ़ा था यदि दो स्तंभों या दो सारणिकों को आपस में बदल दें तो सारणी का मान सेम रहता है। मतलब कि उन जैसे कोई जैसे मैं उसमें अपन ने बताया था कोई सारणी का ये ले लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो सारणी के मान में तो कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है सिर्फ। अब इसकी पंक्ति तो देखो, प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दें, ये पहला है और ये तृतीय है, इनको आपस में बदल दें तो क्या हो जाएगा, डेल वन इक्वल टू चेंज करने पे क्या मिल गया अपने को, C1 C2 C3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3। तो डेल वन किसके इक्वल होगा, माइनस डेल के इक्वल होगा, चिन्ह बदल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गुणधर्म नंबर अपन ने सेकंड पढ़ा था, उसमें यह बताया गया था कि दो पंक्तियाँ या दो स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। लेकिन गुणधर्म नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि पूरे अगर इसकी पहली पंक्ति भी दूसरी भी तीसरी भी मतलब पूरे को इंटरचेंज कर दे, जैसे ये पंक्ति हैं इनको कॉलम में ट्रांसफर कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणधर्म नंबर फर्स्ट है, अगर किसी सारणी में समस्त पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गुणधर्म सेकंड क्या कहता है, अगर कोई सारणिक है उसकी दो पंक्तियाँ या दो स्तंभों उनको आपस में बदल दें तो सारणिक के मान में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, बस प्लस है वो माइनस आ जाएगा, माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, ये डिटर्मिनेंट है, ये कोई सारणिक है, इसके इक्वल ये आता है, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। चलो करते हैं। देखो जो फर्स्ट इसकी वो है कॉलम, उसमें वन वन है, अपने गुणधर्म पढ़ा था अगर किसी सारणी में कम से कम किसी पंक्ति में किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी कॉलम में कम से कम संख्या हो, मतलब जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतना उसका आंसर शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा। देखो अब ये जीरो कर दें अपन, ये जीरो कर दें तो सिर्फ इसका प्रसारण करना पड़ेगा अपने को या फिर तीनों का प्रसारण करना पड़ेगा, तो अपने इसको जीरो कर लेते हैं संक्रिया लगा के, ठीक है। क्या करें, R2 चेंज कर दें, ये R2 इसको चेंज कर दें, किस में से, R2 माइनस R1, दूसरी संख्या क्या लगा दें, R3 में लगा दें, R3 चेंज टू R3 माइनस R1, दोनों में से R2 में से R1 घटा दें, R3 में से R1 घटा दें, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये ओनली ये 1 बचेगा, तो इससे जो सारणी का मान है निकालना आसान हो जाएगा। देखो संख्या लगाते हैं, R1 तो एज इट इज, R2 करते हैं, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 ZX माइनस YZ, Z प्लस X माइनस Y प्लस Z, Z प्लस X माइनस Y, माइनस से वो होगा मल्टीप्लाई, तो ये भी माइनस कर, ये भी माइनस का, तो माइनस का ही जेड है। यहाँ देखो R3 में करते हैं, अब R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 एक्स माइनस नहीं XY माइनस YZ, X प्लस Y माइनस वाई प्लस जेड, माइनस वाई माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ये भी माइनस का हो जाए, माइनस का जेड, LHS लेके चल रहे अपन, है ना। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, 1 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये देखो YZ है जी, यहाँ से देखो जेड कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वाई बच जाएगा, जेड कॉमन ले लेते, क्या बच गया, X माइनस Y, यहाँ से देखो XY है और माइनस YZ है, तो यहाँ से वाई कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, X माइनस Z, ठीक है। यहाँ पे देखो Y प्लस Z, ये जेड से ये जेड कट गया, ये माइनस का ये प्लस का, और ये वाई से ये वाई कट गई,
तो यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब देखो अब अपने पास ये आ गया, मतलब ये सारणिक था, इससे अपने पास ये सारणिक आ गया। अब अपने को इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। प्रथम कॉलम से इसका प्रसार कर दें तो अपने को सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो प्रथम स्तंभ से प्रसार करने पर करते हैं, वन ये प्लस का रहेगा इनटू क्या आएगा, इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, क्या बचेगा जेड इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या बचेगा वाई इंटू एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस जेड, बाकी जीरो हो जाएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ देखो एक्स माइनस वाई, अब अपने पास सारणी क्या आ गया जेड इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई इंटू एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। अब इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो कैसे देखो, अपन ने पढ़ा था जो सारणी के गुणधर्म थे उनमें पढ़ा था, अगर किसी सारणी को जैसे के से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा। तो सारणिक में क्या होता है, उसमें मैट्रिक्स में तो क्या था, अगर कुछ कॉमन लेना है तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता था, लेकिन सारणी में क्या है, अगर कुछ कॉमन लेना है अपने को किसी रो से या किसी कॉलम से, किसी पंक्ति से या किसी स्तंभ से, तो अपन ले सकते हैं। देखो इसकी पंक्ति में क्या है कॉमन है एक्स माइनस वाई, ले सकते हैं कॉमन, और दूसरी पंक्ति में क्या है एक्स माइनस जेड। तो देखो एक्स माइनस वाई अपन ने ले लिया कॉमन पहली पंक्ति से, और एक्स माइनस जेड दूसरी पंक्ति से कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर, यहाँ तो क्या बच गया जेड बच गया, और यहाँ वन, और यहाँ क्या बच गया वाई, और यहाँ वन इक्वल इक्वल जीरो नहीं, ये जीरो तो माइनस जीरो था, है ना। अब देखो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, इसको सोल्व करते हैं। अगर विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, अगर विकर्ण क्या है जेड इंटू वन जेड माइनस वाई इंटू वन वाई। देखो अपन अपने पास जो इसका आर एच एस है वो ये है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई सेम है, यहाँ वाई माइनस जेड है, यहाँ जेड माइनस एक्स है, और यहाँ उल्टा है एक्स माइनस जेड जेड माइनस वाई। यहाँ से माइनस कॉमन ले ले और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया क्या बच गया जेड माइनस एक्स, अरे किससे माइनस कॉमन ले तो क्या हो गया प्लस, क्या बच गया वाई माइनस जेड। तो क्या मिल गया अपने को एक्स माइनस का वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू आर एच एस। ये अपने से पूछा गया था कि किसको सिद्ध करना है, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। ठीक है, ये बार देख लो, ये अपने पास क्वेश्चन था, ये आर एच एस है इसका, इसको सोल्व करना था। अपने संक्रिया लगाई, दो संक्रिया लगाई ताकि ये सोल्व करने में आसान हो जाए। तो अपन ने जीरो कर दिया दोनों को, तो प्रथम सबसे कम ज़्यादा जीरो किस में है, पहले इसमें कॉलम में। अगर किसी भी सारणी को सोल्व करते हैं तो हमें उसमें क्या देखना है कि जिस भी किसी पंक्ति में या किसी कॉलम में शून्य है तो उससे प्रसार करेंगे ताकि आंसर इजी हो जाए। देखो प्रथम पंक्ति से फिर इसका प्रसार कर देंगे, सॉरी प्रथम स्तंभ से प्रसार करेंगे, पंक्ति से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्तंभ को जीरो किया स्तंभ से प्रसार करेंगे। ठीक है, प्रसार कर दिया, क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया वन मल्टीप्लाई तो वन ही होगा। यहाँ से x माइनस वाई इसमें भी है, एक्स माइनस वाई इसमें भी है तो कॉमन ले लिया, और x माइनस जेड इसमें भी है इसमें भी, वो कॉमन ले लिया, दोनों कॉमन आ गए, इनका प्रसार कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करने पे ये आ गया दोनों इससे और इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होने के बाद एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर छः पे आते हैं। नंबर छः क्या है, सारणिक, ये दे रखा है सारणिक, इसका मान ज्ञात कीजिए। अपने को सारणिक दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका मान ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं, देखो पहली रो में क्या है, सॉरी पहले कॉलम में ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये जीरो है इससे तो कुछ भी कॉमन लो जीरो रहेगा। इसमें देखो बी स्क्वायर ए जीरो बी स्क्वायर सी, तो इससे बी स्क्वायर कॉमन ले लें, और उसमें सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी इंटू जीरो ना और जीरो, तो इससे सी स्क्वायर कॉमन लें। देखो सी वन कोमा सी टू कोमा सी थ्री से क्रमशः ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर एवं सी स्क्वायर
उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, तो कोमल ले लेंगे तो क्या बचेगा, बाहर क्या जाएगा, ए स्क्वायर आ गया इससे, बी स्क्वायर आ गया सी टू से, और सी स्क्वायर आ गया सी थ्री से, क्या बच गया ना, जीरो है, जीरो, यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर आने के बाद बी, यहाँ क्या बच गया सी, यहाँ देखो क्या बच गया बी स्क्वायर आने के बाद ए, यहाँ जीरो, यहाँ से बी स्क्वायर चला गया सी, यहाँ से सी स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया ए, यहाँ से सी स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया बी, और यहाँ से जीरो जीरो। देखो अब कुछ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में देखो ए कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में बी कॉमन आ रहा है, और थर्ड रो में सी कॉमन आ रहा है। अपन फिर से R1, R2, R3 से क्रमशः ए कॉमा बी एवं सी बाहर लेने पर, या कॉमन लेने पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए बी सी, फर्स्ट रो से ए चला गया तो जीरो, यहाँ क्या बच गया वन, और यहाँ भी वन, सेकेंड रो से बी चला गया तो वन जीरो वन, थर्ड रो से सी चला गया वन वन जीरो, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, और भी अपन इसको इजी कर सकते हैं, किसी भी रो के किसी भी कॉलम के दो अवयव शून्य कर सकते हैं इसमें, आसानी से हो जाएंगे, और फिर इसको सोल्व कर दें, और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं, क्या बच गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखो फर्स्ट रो से इसका R1 से प्रसार करने पर, फर्स्ट रो से अपने इसका प्रसार कर रहे हैं, जीरो का तो जीरो हो जाएगा, सेकंड का तो वन, वन इंटू ये क्या हो गया माइनस का, तो माइनस का वन इंटू, देखो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बच गया वन 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 जीरो, वन 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 जीरो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या प्लस का वन, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बच गया वन जीरो वन 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 जीरो वन वन। इसको सोल्व करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, तो माइनस का वन इंटू जीरो माइनस वन, अगर वीकेंड माइनस पिछला वीकेंड तो पिछला वीकेंड क्या माइनस का वन, प्लस वन इंटू वन इंटू वन वन, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, ठीक है, क्या मिल गया अपन को, माइनस का वन और ये माइनस का वन, क्या हो गया प्लस का वन और ये प्लस का वन, तो प्लस वन टू, तो टू इंटू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये अपना आंसर। देखो जीरो माइनस वन माइनस का वन, माइनस वन इंटू माइनस वन तो प्लस का वन हो गया, प्लस ये वन था, वन माइनस जीरो वन, और वन इंटू वन वन, प्लस वन, तो दोनों मिल क्या हो गए टू, तो टू इंटू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्न सारणी को हल कीजिए, क्या दे रखा है सारणी का अपने पास, एक्स माइनस टू टू एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर टू एक्स माइनस नाइन थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन एट माइन एक्स माइनस एट टू एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन थ्री एक्स माइनस सिक्सटी फोर। अब देखो अपने कोई सारणी दे रखा है, इसको सोल्व करना है इक्वल जीरो करके, ठीक है, अपन इस इन जो ये टर्म है ना, ये अवयव है, इनको और छोटे कर सकते हैं, मतलब और इजी कर सकते हैं, कैसे, संक्रिया लगा के, ठीक है ना, संक्रिया लगाएं, जैसे देखो इसमें से इसको घटा दें तो एक्स खत्म हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दें तो एक्स खत्म, ये टू एक्स हो जाएगा, ये थ्री एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ से वैसे कर दें, तो देखो आर टू को चेंज कर दें, आर टू चेंज आर टू माइनस आर वन, आर टू में से आर वन को घटा दें तो एक्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ नॉन नंबर बचेगा, इसी तरह आर थ्री में लगा दें, आर थ्री चेंज आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है, करते हैं आर थ्री माइनस आर वन कर सकते हैं, आर थ्री माइनस आर टू कर देते हैं, ठीक है। देखो अब संक्रिया लगाने पर क्या मिला, आर वन एजिटिज एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस थ्री और थ्री एक्स माइनस फोर, यहाँ पे करते हैं एक्स माइनस फोर माइनस एक्स और प्लस टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का जरिए प्लस का हो गया, यहाँ पे देखो टू एक्स माइनस नाइन एजिटिज माइनस टू एक्स और प्लस का थ्री, इसी तरह यहाँ पे थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। नेक्स्ट ये संख्या लगाते हैं एक्स माइनस एट माइनस एक्स
प्लस फोर, 2x माइनस 27, माइनस का 2x और प्लस का 9, ये प्लस का 9 ना 2। देखो अब 3x माइनस 64, माइनस का 3x प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं इसको। x माइनस 2 ऐसे, यहाँ से माइनस का x, सर ये प्लस का x कट गया, ये माइनस का 4, ये प्लस का 2, तो माइनस का 2, यहाँ से माइनस का x, ये प्लस का x ये कट गया, ये माइनस का 8, प्लस का 4, तो माइनस का 4। यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 एच डी, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x ये कट गया, माइनस का 9 और प्लस का 3, तो माइनस का 6, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कट गया, माइनस का 27 और प्लस का 9, तो कितने बच गए, माइनस के 18। 3x माइनस 4 एच डी, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x, माइनस के 16 और प्लस के 4, कितने बच गए, माइनस के 12। ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x, ये माइनस के 64 और ये प्लस के 16, तो कितने बच गए, माइनस के 48, ठीक है, इक्वल टू 0। इससे इजी हो गए। अब देखो इसको और इजी कर सकते हैं, देखो कैसे, इससे 2 कॉमन ले ले और इसे 4 कॉमन ले ले, इसे भी 2 कॉमन लेंगे ना, 4 तो नहीं आएगा कॉमन, इसे 2 कॉमन आएगा, दोनों से 2 कॉमन ले ले, क्या बच जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस के, दोनों से माइनस भी कॉमन ले ले, तो ये प्लस के हो जाएंगे सारे, और माइनस माइनस 12 आएगा तो प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, 2x माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 18, 3x माइनस का 4, माइनस का 12, माइनस का 48 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 बाहर मिलेगा, फिर अंदर क्या बच गया, x माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे 2, 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या बच गया 3, यहाँ पे क्या बच गया 9, 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या क्या बच गया 6, और यहाँ पे क्या बच गया 24 इक्वल टू 0। देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, क्या मिला अपने को, एक्स माइनस का 2, 2x माइनस का 3, 3x माइनस का 4, 1, 3, 6, 2, 9, 24 इक्वल। अब देखो इसके उससे अपन इसका प्रसार कर देते हैं, C1 से प्रसार करने पर, ठीक है, इसका C1 से अपन प्रसार कर देते हैं, 4 एक्स माइनस का 2, ये क्या बच गया 3, 6, 9, 24, 3, 6, 9, 24 माइनस 1, क्या बच गया 2x माइनस का 3, 3x माइनस का 4 और ये 924, 924 प्लस का 2 इंटू, ये दोनों जाने के बाद क्या बच गया 2x माइनस 3, 2x माइनस का 3, 3x माइनस का 4 और 3, 6 इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस का 2, ठीक है, इसको करते हैं 24 इंटू 3, 72 माइनस 9 इंटू 6, 54 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 24, तो 24 इंटू 2 48x माइनस 24 इंटू 3 72 माइनस 9 इंटू 3x 27x और ये माइनस माइनस प्लस का, तो 9 इंटू 4 36 प्लस 2, 2 इंटू 6 इंटू 2x 12x माइनस 18 माइनस 3 इंटू 3x 9x 3 इंटू 4 प्लस का 12 इक्वल 0। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसके अंदर, x माइनस 2 एच डी, यहाँ क्या बच गई 18,
माइनस का 1 इंटू 48x माइनस 27, ये दोनों x की टर्म है, कितने बच गए 21x हो गए प्लस के, ठीक है। ये माइनस का 72 और प्लस का 36, तो कितने बच गए माइनस के 36 प्लस 2 इंटू ये प्लस के 12x और ये माइनस के 9x, तो कितने बच गए प्लस के 3x माइनस ये प्लस प्लस के 12 और ये माइनस के 18, तो कितने बच गए माइनस के 6 बिल्कुल 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 18x हो गए माइनस 36 माइनस के 21x प्लस 36 प्लस के 6x माइनस के 12, ये प्लस के 36 है और ये माइनस के 36 से कट गए, ठीक है। अब देखो माइनस के 21x, ठीक है, और ये प्लस के 6x और ये प्लस के 18, तो 18 6 24x और माइनस के 21x, तो कितने बच गए कल जीरो ना 4 इंटू 18 24x माइनस 21 के, तो 3x बच गए माइनस का 12 इक्वल जीरो, और 3x इक्वल टू क्या आ गया 12 और x इक्वल टू 12 बाई 3 इक्वल 4, अपने पास x की वैल्यू आ गई 4।